2023 के चुनाव में पशु कल्याण से अभ्यर्थी प्रचंड मतों से जीतेगा, देश में नंबर वन बनेगा, नंबर वन बनेगा देश में पशु कल्याण। कई मेल बांट देगा, कई मेल हिंगा अल्लाह के मेल बांट रही। भारत माता की ऐन जोशे नोड़ती, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की, जयपुर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी की, निकटपूर्वी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी की, ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। विजय संकल्प यात्रा की यात्रा वेदिके मेले गण्यर नम जनप्रिय शासक चरण शेलगार सन्मान हेता ये इतना खुशी हो रहा है, इतना आनंद लग रहा है। विश्व गुरु जगत गुरु बसवना की भूमि, हाले पार्लियामेंट, वसा पार्लियामेंट, आपके आशीर्वाद से, आपके कृपा से बसव कल्याण। हाईटेक फंक्शन हॉल अपोजिट हाईटेक सिटी गौर रोड बसव कल्याण। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। देश में नंबर वन बनेगा, नंबर वन बनेगा देश में बसव कल्याण। मैं कहां से बोलूं, कहां से चालू करूं, ये जनसागर बसव कल्याण का जनसागर ऐसा संदेश दे रहा है। 2023 के चुनाव में बसव कल्याण से अभ्यर्थी प्रचंड मतों से जीतेगा, जिताएंगे ना, जिताएंगे ना। ये जोश मैं 3.5 साल के आसपास हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री जी जो अभ्यर्थी किया है, जो विकास किया है, आज वो विकास को लेके हम चुनाव में जा रहे हैं 2023 का। आपको हमको जिसका इंतजार है, हमारे देश के गृह मंत्री इलेक्शन के चैंपियन आदरणीय गृह मंत्री जी आने वाले हैं, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपके सामने आने वाले, आपके सामने आने वाले बैठ जाइए। उनका आगमन हो रहा है, ये कर्नाटक के राज्य में 2023 में हमारा मिशन है 151। बिदर में आप जीतेंगे। हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है 3,09,000 जो घोषणा किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सभी समाज को, सभी वर्ग को दिया है, हमारे अनुभव मंडप को 600 कोटि, निकटपूर्व मुख्यमंत्री राजा हुली 600 कोटि अनुभव मंडप को दिया है। व्योम हॉस्पिटल लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक्स लाया है बसव कल्याण में पहली बार थायराइड टेस्टिंग मशीन, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिलेगी। व्योम हॉस्पिटल नियर मेगू आई हॉस्पिटल बसव कल्याण। हमारे मुख्यमंत्री ने कल्याण कर्नाटक को इस बजट में 500 कोटि का ऐलान किया, 5,000 कोटि का ऐलान किया है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मंत्र के साथ में हमारी केंद्र की सरकार, हमारे देश के हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे विश्व में ढंका बज रहा है। और ये डबल इंजन की सरकार, कांग्रेस वाला कुछ भी कहे,
कांग्रेस को जनता ने किया रिजेक्ट, बीजेपी किया सिलेक्ट। देश में ऐसा वातावरण बन चुका है। कल तीन राज्य का चुनाव था, तीन ही राज्य में बीजेपी की सरकार आई है, दो राज्य में हमारे बलबूते पे आई है। ये गांव इस मिश्रण में आया है, इसलिए पूरे देश में ऐसा वातावरण बना है। पूरे बूथ से लेके गली से लेके दिल्ली तक बीजेपी की सरकार आ रही है, और पूरा कांग्रेस का पायपुट हो रहा है। उसके लिए हमारे गृह मंत्री जी का आगमन हो चुका है, अमित शाह जी का आगमन हो चुका है। अब सभी मैं इतना ही कहूंगा, बसो कल्याण की जनता, बसो कल्याण की महाजनता, इतना अच्छा से दो साल पहले आपने सलगुसलगा को आशीर्वाद किया, और दो साल में उन्हें विकास किया है, लोगों तक पहुंचा है, गांव तक पहुंचा है, हर हर गली में काम किया है। इसलिए आने वाले 2023 में अब सभी मिलके जो बीजेपी का अभ्यर्थी होगा, बीजेपी का कैंडिडेट होगा, उसको आपने आशीर्वाद करना होगा। करेंगे ना। इसलिए मेरे भाई, ये जो आज इतना विराट संख्या में आप इधर धूप लग रहा है, इतना बड़ा 40,000 के आसपास खुर्ची डाला है, फिर भी पंडाल बस नहीं हो रहा है। इधर महासागर, उधर जनसागर, ये जनसागर बसोरगन का जनसागर बिदर के 6 के 6 सीट को जिताएंगे ना। ये आपका जोश है, इसलिए हमने जो अभी आपके आशीर्वाद से हमें पशुगोपन का खाता है, पशुगोपन यानी गो माता मेरी माता, कर्नाटक के इतिहास में गोहत्या निषेध कानून सरकार ने लागू किया, सभी जिले में गौशाला किया, लेकिन कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, कांग्रेस वालों याद रखो, हमारी आस्था, हमारी गोमाता, कांग्रेस के बोल रहे हैं, हमारा सरकार आया तो गोहत्या हम विड्रा करते हैं। अरे ताकत है तो करके बता, ताकत है तो करके बता, जनता आपको छोड़ेगी नहीं, जनता आपको 100% पार्ट सिखाएगी। इसीलिए आज इतना जनसागर है, गोहत्या निषेध कानून है, अनेक ऐसे काम हमारी सरकार ने किया है, हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री ने किया है, हर समाज को न्याय मिलने का काम किया है, और रेत विद्यान्ति कूड़ा हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। ऐसा अनेक योजना लेके 2023 का चुनाव 151 हमारा मिशन पूरा होने जा रहा है।